नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगिड़ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगिड़ होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूं, आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना पता डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक, एक बहुत ही शॉर्ट टॉपिक मैंने लिया है, जिसमें कि मैं आपको जानकारी दूंगा कुछ स्पेसिफिक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। एक मैंने एक सीरीज शुरू करी है दोस्तों आज से, जिसमें कि बेसिकली हम बात करेंगे हर डिजीज की, कोई पर्टिकुलर होम्योपैथी में कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती है। मान लीजिए आपको हेडेक होता है तो हेडेक के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेडिसिन है, पाइल्स है तो पाइल्स के लिए है, आपको किडनी स्टोन है तो किडनी स्टोन के लिए है। इसी तरह से हर डिजीज के लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती है होम्योपैथी में, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक में बताऊंगा आपको पाइल्स, यानी आपको अगर मस्से या बवासीर की शिकायत हो गई, हेमोरॉइड्स हो गए हैं, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी दो मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन है, अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो अगर ये दो मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यूजली क्या होता है कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ जानकारी हम लोग आपके साथ में शेयर करते हैं, जिससे थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाते हैं। आज का जो ये हमारा स्पेसिफिक इन होम्योपैथी ये जो सीरीज है, इसका मकसद यही है कि आपको हर डिजीज की जो स्पेसिफिक मेडिसिन उसके बारे में केवल शॉर्ट में आपको मैं जानकारी दूँ। दोस्तों, चलिए बात करते हैं सबसे पहले आज के जो हमारा टॉपिक है, जिसमें आपको हम बताएंगे कि पाइल्स में अगर आपको, यानी अगर आपको मस्से हो गए एनएस में आपके मल द्वार पे, तो उसके लिए आप कौन सी ऐसी मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन है जिसको अगर आप लेते हैं तो आपको इसमें मैजिकल चमत्कारी रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों, जिन लोगों को पाइल्स की या मस्से की शिकायत होती है, उनके लिए बैठना मुश्किल हो जाता है, उनको खाने पीने में भी कई दफ़ा परेशानी आती है, क्योंकि आप जैसा खाते हैं उसे आपको हो सकता है आपको स्टूल आपको हार्ड आए, या आपको स्टूल में आपको जलन हो, दर्द हो, कॉन्स्टिपेशन हो जाए। इसलिए पाइल्स एक बहुत ही जटिल, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। इसके लिए विस्तार से मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने सब कुछ जानकारी दी है, कारण, सिम्टम, लक्षण वगैरह, और उसके क्या आपको खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक मेडिसिन आपके पाइल्स के लिए। दोस्तों, पाइल्स में जो मैं जनरली हमारी क्लिनिक में मैं जो अक्सर काम में लेता हूं, दो स्पेसिफिक मेडिसिन है दोस्तों जो कि पाइल्स में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों, वो है एलॉय सोकोट्रिना 30। दोस्तों, एलॉय 30 मैं कहूँगा इसकी खास दवाई, स्पेसिफिक दवाई। दोस्तों, अगर आपको एनएस में हेमरॉइड्स या मस्से बन गए हैं, बवासीर हो गए हैं, और उसके साथ साथ आपको एनएस में आपको दर्द रहता है, पेट में आपको भारीपन रहता है, पेट में आपको गैस रहता है, उसके साथ साथ ही आपको मसों में दर्द रहता है आपके पाइल्स में, उसके साथ साथ आपको मस्से वहाँ पे एक है या एक से ज़्यादा, कई दफ़ा ऐसा भी होता है अंगूर के गुच्छे जैसे मस्से भी बन जाते हैं वहाँ पे, मल्टीपल पाइल्स वगैरह हेमरॉइड्स वगैरह वहाँ पे बन जाते हैं। इस तरह के अगर मस्से बन गए हैं जिससे आपको काफ़ी तकलीफ हो रही है, काफ़ी बैठने में भी आपको काफ़ी दर्द हो रही है, स्वेलिंग आ गई है आपके एनएस में, तो ऐसी कंडीशन में एलॉय लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। एलॉय 30 अक्सर मैं इसमें काम में लेता हूँ, और एलॉय 30 को इसमें लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीप पर दिन में 3 बार। दोस्तों, ये एलॉय इस तरह से आप लेंगे तो इसमें बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों, जो कि अगर आपको पाइल्स या हेमरॉइड्स हैं जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देगी, एक वो मेडिसिन, दूसरी मेडिसिन है वो है एस्कुलस 30। दोस्तों, अगर आपको पाइल्स हो गए हैं, पाइल्स में आपको कमर दर्द भी हो रहा है, उसके साथ साथ आपको एनएस में जो दर्द होता ही है मसों में, उसके साथ साथ बैकएक भी होता है आपको, उसके साथ साथ दोस्तों आपको जो मस्से हैं वो मस्से में आपको कभी आपको हो सकता है ब्लीडिंग भी आए, हो सकता है आपको ब्लीडिंग नहीं भी आए, अगर इस तरह की कोई भी समस्या है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको एस्कुलस लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एस्कुलस 30 को भी दोस्तों लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीप पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। दोस्तों, एलॉय अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो वहाँ पर भी एलॉय मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो उसमें बहुत अच्छी आपको इसमें आराम आता है, लेकिन ब्लीडिंग के लिए अलग से कुछ और मेडिसिन होती है जो कि आपके सिम्टम के आधार पर आपको दी जाती है, तो उसमें और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों, यह दो मेडिसिन है, इन जिन दोनों मेडिसिन के आपके अगर किसी भी तरह के आपके पाइल्स या मस्से बन गए हैं, आपको हेमरॉइड्स हो गए हैं आपको, तो वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। इन दोनों को लेने से चमत्कारी रिजल्ट मिलते हैं आपको, बहुत बेनिफिट होगा। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि आपके सिम्टम के आधार पर, आपके लक्षणों के आधार पर देते हैं तो और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए आप कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लें, हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहेगा, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी हेमरॉइड्स में काम वाली दो स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, एलॉय 30 और एस्कुलस 30। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। और इसी तरह नेक्स्ट जो सीरीज में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक लाएंगे वो इसी तरह से एक कोई पर्टिकुलर डिजीज होगी, जिसमें कुछ मैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू।